सब सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक फिर से लाइमलाइट में आया है और उसका सिंपल सा रीजन है उसका प्राइस मूवमेंट। सो डिस्कस करते हैं इसका क्या प्राइस मूवमेंट है और आने वाले समय में किस तरीके के ट्रेंड दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो चलिए देखते हैं गुजरात एल्कलीज में क्या है। सबसे पहले हम इमीडिएट ट्रेंड को समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इमीडिएट ट्रेंड जो है वो किस तरीके से आपका काम कर रहा है। तो इमीडिएट ट्रेंड में आप देखिए यहाँ पे 826 जो आपका इमीडिएट सपोर्ट है, ये आप इसको स्टॉप लॉस भी समझ सकते हैं अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो। और ऊपर 963 ये आपका टारगेट है, ठीक है। 963 अब 964 मान लीजिए, 964 के ऊपर गया तो आपका नया ट्रेंड शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात बता दूँ, क्योंकि शेयर 826 के बहुत ऊपर चला गया है तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। 963 को आप अगर कंसिडर ना भी करें तो भी चलता है, लेकिन 963 एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। ये लेवल आपका 2017 में रीच हुआ था और वहाँ से प्राइस नीचे आया था, तो इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। सो इसलिए हमको 963 का प्राइस लेके चलना है साथ में। अब एक बार 963 क्रॉस हो जाए तो क्या, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे आ जाएगा, ठीक है। इन दैट सिचुएशन और इन दैट केस जो हमारे सामने ट्रेंड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देख लीजिए, इस तरीके का ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो हमारे सामने सपोर्ट यहाँ पे खड़ा है। अब ऊपर के तरफ आप देखिए क्या दिखता है हमको, ठीक है। फिलहाल हम ट्रेंड से बाहर नहीं जाएंगे फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत बड़ा है, 2004 से है तो 16-18 साल का ट्रेंड है। तो जब तक जो स्टॉक है खुद से ब्रेकआउट नहीं देता हम नहीं जा सकते इसके बाहर, तो इसीलिए हमें इसके अंदर ही रहना पड़ेगा। सो अब बोल सकते हैं ये एक कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन है, बट एनीवेज अगर ये 963 के ऊपर चले जाता तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे जो रेंज होगा वो 1600 से लेकर 2800 के बीच में होगा, फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि हमको पता नहीं शेयर ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेंज होगा ये हमारा अगला बड़ा स्विंग का टारगेट होगा। तो इस तरीके से हम ट्रेंड को फिलहाल देख रहे हैं, देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन और क्या होता है यहाँ पे, और उसके बाद जो भी होगा 963 के ऊपर हम फिर से रीएनालाइज करेंगे। और हमारा ट्रेंड तो यहाँ पे दिख ही रहा है, उसके ऊपर अगर फिर से गया, मान लीजिए ये अगर ऐसा कुछ होता है उसको हमको रीएनालाइज करना पड़ेगा, बट एक स्विंग में है और स्विंग आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।